there is no sense to go fast. So we have to in fact understand, and this is what I told to Safina ma'am, I was going to take this course further. But the fact is, development is taking place, but at a very slow pace. And that is the reason your second question is linked to that, which is the case in Delhi also. Everywhere unauthorized colonies developed because DDA was not able to provide those many accommodations which were required to be provided at this rate on the cost. I mean, this policy is completely different, as you said. Land is not to be allotted by any. Land, hold on, please. Please understand the policy. Land has not to be allotted by DDA. We have to purchase land by ourselves. क्योंकि वही कंसोलिडेट होगी, तो जिसकी जगह एक जगह कंसोलिडेट होनी थी 13 की पॉलिसी में, 18 की पॉलिसी में बजाय कंसोलिडेट होने के वो फ्रेगमेंटेड हो गई। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है एक प्रेस वार्ता की गई है नारी शक्ति। आइए जानते हैं, सफरीना जोसेफ हमारे साथ है जो कि कहीं ना कहीं आयोजक हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैम, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, जो भी हम लोगों ने सपना देखा है घर बनाने का हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा, चाहते हैं कि हमारी आवाज़ अपनी सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि वो जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होती है घर बनाने की वो जल्दी, क्योंकि ऐसी कई पॉलिसीज़ आती तो हैं लेकिन उन्हें टाइम फ्रेम तक कंप्लीट नहीं होती है। जिसके सफ़र हैं कई ऐसे सोसाइटी के मेंबर्स और कई ऐसे फार्मर्स जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी लैंड दे चुके हैं लेकिन टाइम से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है। कई बार होता है मैम, पैसा भी चला जाता है और जो लैंड खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। बिल्कुल, आज उसी की पहल करके मैं आगे आई हूँ, और कोर्ट तक भी जाना पड़ता है, तकलीफ़ें उठाना पड़ता है, अपना खुद का ज़मीन पैसा सब लगाने के बाद भी कोर्ट कचहरियों के भी तक के खाने होते, तो इसलिए आज एक ऐसी इनिशिएटिव निकाली है नारी शक्ति ने कि चाहती है कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाए, और चाहती हूँ कि हर एक स्टेप को यूटिलाइज़ करूँ और अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाऊँ, ताकि इन चीज़ों में कुछ चेंजेस बदलाव आए। हम कैसे पहुँचाएंगे जनता की आवाज़ को? अवेयरनेस और आप लोगों की मदद से मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि अगली पहल ऐसे अवेयरनेस कई ऐसे कार्यक्रम में करना चाहती हूँ, जहाँ पर मेम्बर आकर सारे सोसाइटी वालों से अपने सवाल पूछें और उसके उत्तर जानकर आगे पहल करें हमारे साथ जुड़कर। मैम, अब तक आप कितनी जगहों पर अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुकी हैं और क्या रहा वहाँ पे लोगों का क्या? अवेयरनेस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि अगर हम हैं सोसाइटी के वजह से ही हैं। आज अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट सोसाइटी सब लोगों के वजह से चल रहा है, जो हमारे हैं, हमारे मेंबर्स हैं उनकी वजह से, तो इसलिए अपनी आवाज़ उन तक अवेयरनेस के द्वारा मैं पहुँचा रही हूँ, ताकि वो भी पहल करें हमारे साथ जुड़ कर, बिकॉज इकट्ठा होकर एक साथ हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? तमाम जनता को मेरी ये संदेश है कि सपना अगर टूटता है तो सिर्फ डर की वजह से, फेलियर की वजह से नहीं, तो इसलिए सपना देखना बंद मत करिए किसी के वजह से, अपना सपना देखिए और साकार करिए खुली आँखों से। नमस्कार, थैंक यू।